अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ओम नमः शिवाय, शालोम, हालेलुया, ओम मानी पद्मे हुम। सॉरी, जैन धर्म का कोई मंत्र नहीं है मेरे पास, और जैन कोई धर्म नहीं है, और बुद्धिस्ट भी कोई धर्म नहीं है, बस ओम मानी पद्मे हुम है, यही है सब कुछ। ये नूपुर शर्मा का जो केस चल रहा है, जो गजवा हिंद चल रहा है, उसके ऊपर अपडेट है। मेरे वीडियो बनाने का बहुत बड़ा मकसद होता है, मेरा वीडियो बनाना मतलब गाजे गिरना। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जब रामायण का पाठ शुरू किया तो श्रीलंका खत्म, और अभी तो मैंने रामायण के बहुत सारे पाठ नहीं बताए, अभी तो मैंने पूरी रामायण बताई ही नहीं है। पता नहीं मेरा जीवन भी बचता है कि नहीं, मेरा शरीर बचता है कि नहीं ये बताने के लिए। ऊपर से जो हमेशा मुझे कोड वर्ड आते हैं, पहले बात तो है कि थैंक यू टू डॉक्टर इसरार अहमद। डॉक्टर इसरार अहमद अपने समय से पहले के, मुझे तो समझ नहीं आता कैसे ये लोग गाइडेड थे, मतलब विजनरीज थे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में बताते थे सारी, इस्लाम, जायनिज्म, ये जो अब्राहमिक नेशन, मतलब जो इस्लाम को खत्म करने के लिए जो आइडियोलॉजीज पैदा हुई, फ्री मेसन, इल्यूमिनाटी, कैसा कैसा बताया उन्होंने कि कैसे कैसे यूएस स्टार्ट हुआ, यूनाइटेड नेशन इसराइल का। और उन्होंने बोला कि जो आरएसएस है ये सैफ्रॉन ब्रदरहुड है, ब्रदरहुड इन सैफ्रॉन, और ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। जैसे मैंने अभी वीडियो शेयर किया है कि इस्लाम को वहाबिज्म बना दिया, अलकायदा ये टेररिस्ट ग्रुप बना दिए, जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। जरा आपको टेररिज्म, जरा आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे कि जब जिहाद होती थी, आउटर जिहाद, तो आउटर जिहाद में मोहम्मद जी ने क्या रूल्स बताए थे कि बुड्ढों को नहीं मारना, औरतों को नहीं मारना, बच्चों को नहीं मारना, पेड़ों को नहीं मारना। जरा वो रूल्स पढ़ो कि जब फाइट होती थी, फाइट के जैसे रामायण महाभारत थी, उसके रूल्स क्या थे, तब आपको समझ में आएगा। ये सब ज्ञान की कमी से हो रहा है। और जो अंधभक्त कहते हैं, जिसको अंधभक्त का अर्थ है कि जिनके ब्रेन डेड है, ब्रेन डेड वाले खाली ये नारे लगा सकते हैं और मूर्तियां बना सकते हैं, बस मंदिर में जाके पूज सकते हैं, वो अंतर आत्मा का चिंतन जो होता है आंतरिक नहीं जा सकते, और मंथन नहीं कर सकते, इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते, रियलाइज नहीं कर सकते, तर्क वितर्क नहीं कर सकते, तो जो ब्रेन वाला जो चीज होगा उनका सब डेड होगा। ठीक है, पहली बात तो, अगर काश ये सारे हिंदू के जो सेंट्स बने हुए हैं, जो नरसिंह यति है, जो भी इनकी हिंदुत्व को जो प्रमोट करें, मेरे सामने खड़े हो जाए, और जब मैं इनको बोलूं कि तुम हिंदू नेशन अगर हो तो तुम इसका मतलब तुम मनुस्मृति को मानते नहीं हो। सबसे बड़ा जो पाप है अडल्ट्री की, औरत को रंडी बना देना, वो किसी का संबंध बना सकती है, और होमोसेक्सुअलिटी सोडमी, जिसकी वजह से सोडम और गोमरा हुआ, सोडमी की आदमी के पिछवाड़े में डाल के दूसरा आदमी अपना लिंग डाल सकता है, ये जो सबसे बड़े बाइबल कुरान और वेदास में भी, मनुस्मृति में भी जो पाप बोले गए हैं, ये हिंदू गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर दिए। तो सारे हिंदू संत, जरा मेरे को उनके सामने बैठ के बात करनी है, ये कौन सा हिंदू धर्म हुआ? और मैंने सही बोला था, ये लीगलाइज हो गया यहाँ पे ये पाप इतने 5-7 साल पहले। ठीक है, करण जौहर एकता कपूर जिसका बहुत भरपूर फायदा उठा रहे हैं, करण जौहर गे, होमोसेक्सुअलिटी, और एकता कपूर जो रंडिया बना रही है, कोई मंदिर नहीं छोड़ा एकता कपूर ने। मैंने आपको बोला ना, चैरिटी मंदिर मुंदिर, ये वर्शिप वर्शिप आइडल वर्शिप, ये सब यही करेंगे जितने पापी होंगे, पापी। ठीक है, औरतों को बनाती है, छोटी छोटी बच्चियों के रेप करवाती है फार्म हाउसेज में, पूछो मत। एनीवेज, तो यस, थैंक यू टू डॉक्टर इसरार अहमद की पता चला कि आरएसएस इज अ ब्रदरहुड इन सैफ्रॉन। ये जितने ब्रदरहुड आए हैं, ये इल्यूमिनाटी ब्रदरहुड, ये फ्री मेसनरी हैं, ये सेटन की तरफ से हैं सारे ब्रदरहुड। और अब मैं आपको बताऊं कि मुझे कैसे पता चला कि ये ब्रदरहुड बाबा जी के बाद आया, क्योंकि बाबा जी की गॉस्पल में लिखा था, जब ओमरा मिखेल, मिखेल ओमराम चर्च ऑफ ब्रिथरिन, मेरे ख्याल से व्हाइट ब्रदरहुड का मेंबर था ओमरा मिखेल, मिखेल ओमराम, क्या नाम था इसका, असली नाम क्या था, इसको तो बाबा जी ने मिखेल ओमराम दिया, मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसका ये सर्च करके आपको पता चल सकता है, मेरे से पूछ सकते हो ओमराम मिखेल का असली नाम क्या था, उसको छड़ी दी थी बाबा जी ने जो लाइट पे कन्वर्ट हो जाया करती थी। ये जब ऑटोबायोग्राफी योगी परमहंसा योगानंद जी से पढ़ा चैप्टर 33 की, योगी क्राइस्ट ऑफ हिमालयस की, क्राइस्ट और बाबा जी हिमालयस से पूरे जो पृथ्वी का एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस चेतना जागृत कर रहे हैं, तो वो ढूंढते ढूंढते बाबा जी को नैनीताल आया और पहुंचा। तो वही ये जब सारा वाकियात हुआ, बाबा जी ने उसको इनिशिएट किया, क्रिया योगा की नॉलेज दी, बाबा जी ने बोलता वेद व्यास का सीट था ओमराम मिखेल। बाबा जी के जितने भगत थे आप देखो कि कुमाऊं के जो संत, नीम करोली बाबा, हेड़ा खान बाबा, महावतार बाबा जी, इनके सब अंग्रेज थे, क्योंकि उनका मेंटल लेवल है, इंटेलेक्ट लेवल, समझ ही हो सकते हैं, किसी के भी हिंदू भगत नहीं थे, बहुत कम होंगे, खाली वही मंदिर करने के लिए वो माइंड से, इनकी बुक्स जितनी भी अंग्रेजों ने लिखी है, क्यों जितने भी, क्योंकि आर्यंस और जूस जो असली जो बाबा जी के जो सीट्स थे, हेड़ा खान, नीम करोली, इन सबके अंग्रेजी भगत है, सब अंग्रेजों ने इनकी लिखी, क्योंकि हिंदू का वो मेंटल लेवल नहीं है, वो स्पिरिचुअल लेवल नहीं है, इंटेलेक्ट लेवल नहीं है समझने का, वो खाली नारे लगा सकते हैं।
यही रीजन है कि इन सब के भगत आप देख लो, निमकुली बाबा का कृष्णादास, रामदास, सारे अंग्रेज उनके भगत है, हेड़ा खान बाबा जी के यूरोप से भगत आने शुरू हो गए, मावतार बाबा जी के डिसाइपल यूरोप, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यहां से आना शुरू हो गए। हिंदू कौन था इनका? इनका कोई हिंदू कोई भगत नहीं, बहुत कम होगी, और सिक्स थे इनके भगत। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ओमरा में ये बाबा जी कहते कि जीसस का सीट चर्च ऑफ ब्रेथरेन व्हाइट ब्रदरहुड प्रोटेक्ट कर रहे थे, बाद में ये भटक गए। तो जब इनको पता चला कि ओमरा मिखेल ने चैप्टर 33 पढ़ा और उसको पता चला कि क्राइस्ट योगी हिमालयस भाई इंडिया में है, नैनीताल में, तो ये बाबा जी के नैनीताल के सिद्धाश्रम पहुंच गए जीसस का सीट ढूंढने के लिए, जीसस का डीएनए, बिकॉज दे वर प्रोटेक्टिंग द डीएनए ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो बाबा जी ने लिखा कि बाबा जी ने उनको बोला कि मैं तो अब्राहम का डीएनए हूं, मैं जीसस का डीएनए नहीं हूं। तो इसी के बाद से ये मुझे लगता है चर्च ऑफ सॉरी ये ब्रदरहुड इन सैफ्रॉन आरएसएस हिंदुत्व जो 100% कंफर्म हो गया। मुझे लग रहा था जायन, मैंने आपको बोला था ना ये पूरा जो इंडिया है इसको जायनिज्म कंट्रोल कर रहा है इसराइल, क्योंकि हिंदूज आर डिसेंडेंट ऑफ इजिप्शियंस एंड जूस। इजिप्शियंस एंड जूस कैसे? क्योंकि राम जी के जो बेटे थे कुश, जो सीता माता के पहले बेटे थे, वो थे जू, और जो इस्माइल थे लव, जो रावण की बेटी से हुए, रावण की बेटी जो राम जी की पहली दूसरी बीवी थी उससे लव हुए, और वो थी इजिप्शियन प्रिंसेस। इसलिए हिंदूज जो हैं वो जूस और इजिप्शियन के डिसेंडेंट्स हैं। बाबा जी ने ये नरेट किया जो टीचर ऑफ रामा है। ठीक है, तो इसलिए ये पता चल गया आपको कि इसराइल कंट्रोल कर रहा है, इंडिया इज द गिनी पिग ऑफ इसराइल जब डीमोनेटाइज, क्योंकि ये पूरी ये जितनी ब्रदरहुड्स हैं ये सैटेनिक, ये रेसिज्म करके एथनिक। देखिए इंडिया में एथनिक क्लिनजिंग कैसे आ गया? आरएसएस की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कि जी मुगलों ने हम पे राज किया, ब्रिटिशों ने राज किया, हिंदू हिंदू बनेंगे। पहली बात तो है कि इनका हिंदुज्म और इस्लाम और सनातन धर्म से कोई अर्थ नहीं है, बिकॉज ये कोई भी योगीज हो। अभी इसके बाद मेरे को लगता है मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं दिखूं बताऊं आपको कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में हिंदू छोड़ दीजिए, एनलाइटेंड सेंट्स एंड योगीज ऑफ भारत ने क्या बोला। रामना महर्षि शिव बाल योगी रामकृष्ण परमहंस, जिसको इस्लामिक टीचिंग्स ही दी थी बाबा जी ने। ठीक है, और राम और क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, साउथ इंडियन सेंट का क्या नाम है यार, वो कौन है यार, आदि शंकराचार्य के साथ, नाम नहीं याद आ रहा मुझको उसका, उसको भी इस्लामिक टीचिंग्स बाबा जी ने दी। ठीक है, तो शिव बाल योगी ने क्या बोला प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, हेड़ा खान बाबा जी ने क्या बोला, वो तो अवतार थे शिव के, उन्होंने क्या बोला प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, सत्य साई बाबा ने क्या बोला प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, परमहंस योगानंद ने क्या बोला प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, नीम कोली बाबा ने क्या बोला जीसस क्राइस्ट, वो तो जीसस क्राइस्ट के नाम से नीम कोली बाबा रो पड़ते थे कि इतनी सफरिंग सुनी थी जीसस क्राइस्ट की। ठीक है, ये जितने, और श्रीला प्रभुपाद मेरे सबसे प्रिय श्रीला प्रभुपाद, जिसको जिनको मारा ही ज़ायनिस्ट जूस ने, और ये जितने भी हमारे हिंदू संत हुए, हमारे एनलाइटेंड सेजेस संत हुए, बुद्धा भी हो, इनको पॉइजन किया गया है जूस और कैथोलिक चर्च ने, और ये जायनीज जूस हैं, असली जूस हैं जो तौरात फॉलो करते हो, जिनका ना किसी नेशनलिज्म से लेना देना है, वो खाली अपने तौरात फॉलो करते हैं और बस वो अपने अंदर स्वर्ग बनाते हैं। एक बार मैं उसका भी वीडियो करूं कि असली जूस हैं कौन, क्योंकि जैसे हिंदू ये हिंदुत्व का हिंदू बना रहे हैं, इसका हिंदू से कोई अर्थ नहीं है। आई एम द रियल हिंदू, आई एम द रियल मुस्लिम, आई एम द रियल बुद्धिस्ट, आई एम द रियल जू, एंड आई एम द रियल पारसी, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, इसका भी पता चलेगा बहुत जल्दी, ये पता चल चुका भी है ऑलरेडी। तब आपको समझ में आया कि ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाई कि मुस्लिम्स की एथनिक क्लिंजिंग करी जाए, आरएसएस का ब्रदरहुड बनाया। मैंने आपको क्या बताया, ब्रदरहुड होते हैं सैटैनिक। एथनिक क्लिंजिंग भारत में, एथनिक क्लिंजिंग कहां से आ गई, तो अब्राहमिक रिलीजन में आई थी, क्योंकि जो कवनेंट था शिव जी का वो जूस के साथ में हुआ था कि मैं उन्होंने मोसेस के थ्रू बताया था कि इनको रिवर्स ऑफ मिल्क एंड हनी अपने प्रॉमिस लैंड संभाला लेके जा, जहां पे प्रॉमिस लैंड आता है वहां पे एथनिक क्लिंजिंग आती है। तो आप मुझे बताइए कि एथनिक क्लिंजिंग भारत के अंदर कैसे आ गई, तो एथनिक क्लिंजिंग का अर्थ है कि इसराइल ने जैसे पैलेस्टीनियन को मारा उनका लैंड हड़प के, वैसे ही ये हिंदू एक संस्था खड़ा कर दी है जो हिटलर जिनके आइडियल्स हैं नाजीज्म, आरएसएस इज नाजीज्म ज़ायनिज्म की, भाई तू एथनिक क्लिंजिंग कर, मुस्लिमों को मार, क्रिश्चियंस को मार, सिखों को मार, और एक आइडियल वर्शिपर रेस खड़ी कर दे सेटन की, जिसको तू बोल हिंदू, जो मूर्तियां बनाए बड़ी बड़ी, आइडल्स बनाए, मंदिरों को चमकाए और खाली नारे लगाए, जिनका क्या कहते हैं सत्य से लेना देना कोई नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी LGBTQ प्रेजेंट करे, ठीक है, और ये अडल्ट्री रंडीबाजी प्रेजेंट करे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, आप देख लो, और सेटन का धर्म लाए, सेटन का धर्म, ये जानने की, ये आपको जानना पड़ेगा कि सेटन का धर्म होता क्या, इसलिए डिमोनेटाइजेशन हुआ, डिजिटल सोसाइटी भी हुआ, इसलिए बाबा जी ने बोला इंडिया इज द बिगेस्ट सर्वेंट ऑफ सेटन। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि आरएसएस क्या है।
आरएसएस एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो ज़ायनिज्म है, और इसके पीछे के जो इनके आका है इसराइल। ये मुझे कीवर्ड आया और मैंने ट्विटर पे सर्च किया और सारा सत्य आ गया कि इसराइल के द्वारा फंडेड है ये सब। बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है, नेशनलिज्म, इस्लाम में नेशनलिज्म का कोई लेना देना नहीं है, इस्लाम में रेसिज्म का कोई लेना देना नहीं है। मोहम्मद जी का आखिरी लेक्चर यही था कि सारे जो है वो स्पीच फाइट ऑफ स्पीशीज है, इट्स सारी जो कायनात है आदम की कायनात है, आदम और ईव की कायनात है। सो आप में कोई सुपियोरिटी नहीं है अरब ओवर नॉन अरब। और जब मेरे को जब अवेकन किया गया, और मैंने हमेशा से बोला था इट्स वॉर बिटवीन स्पीशीज, इट्स नॉट द वॉर ऑफ सेम ह्यूमन काइंड, ह्यूमन स्पीशीज। और अब तो ह्यूमन स्पीशीज कंटामिनेट हो चुकी है क्योंकि उनका जो डीएनए है और पैरासाइट आ चुका है ब्रेन में, तो अंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी है। तो बस मैंने ये वीडियो अभी यही बनाना था, अभी थोड़ा सा आई एम सॉरी मेरा दिमाग डिसोरिएंट हो चुका है। तो आप बस यही समझिए कि इसका हिंदुज्म से कोई लेना देना नहीं है। सनातन अब जो फाइट है वो योगीज वर्सेज हिंदुत्व है, हिंदुत्व योगीज। अगर हिंदू असली जानना है और सनातन धर्म जानना है तो आपको मैंने जो जो योगियों का नाम लिया ये देखिए वो क्या कहते हैं, और देखिए ये चाहे गुरु नानक देव जी हो, साईं बाबा हो, इनके अगेंस्ट ये हिंदुत्व जो है ये जाते हैं। साईं बाबा के अगेंस्ट जाते हैं जो गायत्री मंत्र बोला करते थे। ये जर्मन्स को भी बाबा जी ने बताया, जूटा बाबा जी की जो डिसाइपल उसने मुझे बताया कि साईं बाबा जी गायत्री मंत्र बोला करते थे मॉस्क में और नमाज पढ़ा करते थे मंदिरों के अंदर। ठीक है, इन आपको अपनी जो हिस्ट्री है आपके एंसेस्टर्स जो योगीज हैं उनसे पता चलेगी, ना कि ये जो रूलिंग पार्टी है जो बैठे हुए हैं, ये जो योगी बना हुआ है। और ये योगी तो क्लोन है, मैंने इसके कुछ वीडियोस देखे, मैंने इसकी शक्ल देखी, इनके जो डेले होते हैं ना, आई बॉल्स काले होते हैं, काले नसें आ जाती है माथे पे, दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स, फॉरगेट अबाउट बींग हिंदू मुस्लिम वॉट एवर इट इज। तो यस, ये जो आरएसएस है ये ज़ायनिज्म है, ज़ायनिज्म ब्रदरहुड इन सैफ्रन, और ब्रदरहुड आर सैटेनिक ब्रदरहुड, एथनिक क्लिंजिंग खाली अब्राहमिक रिलीजन के थ्रू ही पता चलती है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी रेस सुपीरियर है, हमारी रेस का कॉवेनेंट हुआ, हमारी रेस जाएगी। तो यहां पे खाली कल्कि अवतार का ही इस्लाम आएगा धरती के ऊपर, पूरा इस्लामिजाइजेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। और यस, मैं जीवित हूं, और जब मेरे गुरुजी और बाबा जी मुझे चाहेंगे तो तब मेरा शायद बाहर आना होगा, क्योंकि तब शायद कुछ लोगों की समझ हो जाएगी। मुझे लगता है मेरा बाहर आना या मेरा एक्सेप्टेंस तभी होगा जब कुछ लोग बचेंगे जिनकी समझ होगी। अभी तो ये आपस में ही लड़ाई कर करके मर जाएंगे, बट आई विश कि हिंदू मुस्लिम सिख और जो भी इंसान है वो मेरी बात समझे और इस बात से रियलाइज करे कि सत्य क्या है। अगर आप बाबा जी की न्यू गॉस्पल ऑफ क्राइन माउंटेन पढ़ लेते हो, अंग्रेजी के अंदर है, आपके अपने आप ही सत्य प्रसारित हो जाएगा। और जो ये नूपुर को बेवकूफ गंदे डीमन हिंदू लोग आरएसएस हिंदुत्व के कह रहे, ओ बड़ी इसको इंदिरा गांधी बना दिया कि एक औरत, मुझे तो हंसी आ रही है। नूपुर को जरा मेरे से बात करवाओ, मैं उसको बताऊं कि जरा साइंटिफिक मिरेकल्स ऑफ कुरान पढ़ और देख कि उसमें कैसे बताया कि फ्लैट अर्थ थ्योरी को खत्म कर दिया मोहम्मद ने बता के कि अर्थ भागवतम में जो लिखा कि डोम शेप है, डोम शेप कैसे उसने लिखा गया कि अर्थ डोम है, कहां लिखा अर्थ फ्लैट है। और जो इसको मैं आयशा के बारे में बताऊं, और थर्ड चीज ये जो बुराक के बारे में जो बकवास कर रही है, कल्कि अवतार का जो घोड़ा देखे, मोहम्मद कैसे कल्कि अवतार थे, क्योंकि विष्णु जी ने उनको आर्क ऑफ कवेनेंट, आर्क ऑफ गैब्रियल, अपोकलिप्टिक वेपन, आखिरी अवतार मोहम्मद को दिया गया था। क्रिश्चियंस को भी पता है, ये मेरे यूट्यूब पे वीडियो देख लो, आर्क ऑफ गैब्रियल द एंशियंट अपोकलिप्टिक वेपन वॉज गिवन टू मोहम्मद द लास्ट डूम्स डे अवतार, क्योंकि वो डूम्स डे अवतार थे। इसलिए अब जो जीसस आएंगे वो घोड़े पे नहीं आएंगे, जीसस एंजल्स के कंधे के ऊपर आएंगे। और जो घोड़ा है, आप जरा बुराक की इसने, अच्छा हुआ इस औरत ने ये बातें बोली क्योंकि ये चीजें आई। आप जरा साइंटिफिक पढ़ लो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, कि मोहम्मद जी अपनी बेड के ऊपर थे और इनका एस्ट्रल ट्रैवलिंग के थ्रू, मतलब इनका एथरिक बॉडी ट्रैवल करके पूरे एट हेवेंस तक कैसे बुराक के ऊपर गई, मतलब वो घोड़ा इनको लेके गया था। तो जो कल्कि अवतार का जो घोड़ा है वो मोहम्मद का एक्सपीरियंस हुआ, बिकॉज मोहम्मद वॉज द लास्ट अवतार। मेरे पास भी कोई घोड़ा नहीं है और ना कोई घोड़ा अब आएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी रियलाइजेशन नहीं हुई जो प्रॉफिट मोहम्मद के साथ हुई है। तो आप जरा पढ़ लो साइंटिफिक मिरेकल्स इन कुरान, और ये जो बुराक जो व्हाइट घोड़ा था, वेद प्रकाश ने, जो पंडित है हिंदू का इंडियन पंडित वेद प्रकाश ने मोहम्मद कल्कि अवतार के बारे में सारे साइंस के बारे में क्या लिखा वो पढ़ो, और इन हिंदुओं की गांड मारो। ये हिंदुत्व आरएसएस, ये ज़ायनिज्म, इनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे सऊदी अरेबिया का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही इन हिंदुत्व आरएसएस ग्रुप का हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ योगिक एलीट होगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ योगिक, एंड आई एम अ योगी, हिमालयन योगी बताएंगे हिंदू इस्लाम सनातन धर्म के बारे में। ओम नमः शिवाय।